आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में दो हीरोइंस ऐसी थीं जिन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की फिल्मों में काम किया। उनमें से एक थीं प्रिया राजवंश, जिन्होंने सिर्फ देवानंद के बड़े भाई मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर चेतन आनंद की फिल्मों में काम किया। और दूसरी हैं मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और हीरो वी शांताराम जी की बीवी, जिन्होंने सिर्फ अपने पति की फिल्मों में काम किया। और वो हैं बेहद हसीन, खूबसूरत और बेहतरीन डांसर संध्या। सितंबर 1938 में पैदा हुई थी संध्या कोची में, जो केरला में है, एक हिंदू महाराष्ट्रियन परिवार में। उनके पिता का नाम था अजीत देशमुख और वो थिएटर में काम करते थे बैकस्टेज पे। संध्या की माँ का नाम था माया और संध्या की एक बहन भी है और उसका नाम है वत्सला। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि संध्या का असली और पूरा नाम है विजया देशमुख। जी, ये तो साधारण सी बात है। मेरे पिता हैं मद्रासी, मेरे स्वर्गवासी माँ थी बंगालन, मेरे सौतेली माता हैं पंजाबन, मराठी गुजराती तो ऐसे बड़े शहरों में रहने से आ ही जाती है, और लाला जी बाकी रही सिंधी, वो ऐनी फैल गई है कि शहर फुलिया नहीं समाउंदा। दोनों बहनें थिएटर में काम करती थीं, लेकिन संध्या को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। उसी दौरान यानी 1951 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर वी शांताराम जी ने अखबार में एक इश्तिहार दिया कि मैं एक मराठी फिल्म बना रहा हूँ और उस फिल्म का नाम है अमर भोपाली, और उस फिल्म के लिए मुझे एक नई हीरोइन की तलाश है। बस फिर क्या था, संध्या पहुँच गई, उनसे मुलाकात की, वो मुतासिर हुए और संध्या फौरन सिलेक्ट हो गई। दोस्तों, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि संध्या का असली नाम है विजया। शांताराम जी ने उनका असली नाम बदल दिया और फिल्मी नाम रखा संध्या। जी, असं काय बोलतोस? हा सूर निराळाचा भाळात घुमणारा आहे, अशी राखदारीच्या मकरात नटून बसणारी लावणी असेल। 1952 में शांताराम जी एक और फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था परछाई। उसमें दो हीरोइंस थीं, एक थी शांताराम जी की बीवी जयश्री और दूसरी थी संध्या। तुम्हें मेरी कसम, न रो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी दाया की बेटी हूँ, उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करूंगी। दूसरे तीसरे दिन उनकी खैरियत का खत भेजती रहना,
परछाई के बाद शांताराम जी ने जितनी भी फिल्में बनाई उनमें से ज़्यादातर फिल्मों की हीरोइन थी संध्या। रोज़ शूटिंग होती थी, साथ में उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, बहुत वक्त साथ में गुजारते थे। नतीजा ये निकला कि दोनों के दिल में मोहब्बत की एक ज्योत जलने लगी और 1956 में दोनों ने शादी कर ली। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए, क्या भूल गए। रोने की आदत ऐसी पड़ी, हंसने का तराना भूल गए, हाँ भूल गए। शादी के कुछ ही अरसे के बाद शांताराम जी ने ये महसूस किया कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, घट रही है। वो घबरा गए और फौरन डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया जो आप फौरन मेरे पास आ गए, वरना अगर और देर कर दी होती तो आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई होती, आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। एमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आपको इनके लिए एक नर्स रखनी पड़ेगी, ऐसी नर्स जो जानकार हो और पूरी तरह उनकी खिदमत कर सके। संध्या ने कहा कि मुझे काफ़ी हद तक जानकारी है, नर्स रखने की ज़रूरत क्या है, मैं दिन रात इनकी खिदमत करूँगी। और ऐसा ही हुआ, वक्त गुजरता गया और जब शांताराम जी की पट्टी खुली तो उन्होंने देखा, उन्हें नज़र आया तो वो चकित रह गए। उनका कमरा चारों तरफ तरह तरह के फूलों से सजाया हुआ था, रंग बिरंगी फूलों से सजाया हुआ था। उन्होंने हर तरह के रंग देखे तो मुस्कुराए और कहा, अरे ये तो नवरंग है। इस तरह जन्म हुआ बहुत ही हसीन, खूबसूरत और रंगीन शानदार फिल्म का, और उसका नाम था नवरंग। हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंज कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव। दोस्तों हम आपको बताएं कि कई बार इंटरव्यू लेते हुए लोगों ने संध्या से पूछा कि आप खुद माँ क्यों नहीं बनी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझसे पहले शांताराम जी की दो बीवियाँ और भी हैं, विमला और जयश्री, वो दोनों मेरी बहनों की तरह हैं और उनके बच्चे भी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अपने बच्चे हैं। आज शांताराम जी और उनकी दोनों बीवियाँ इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन संध्या उनके पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखती हैं और उनका पूरा परिवार उनका ख्याल रखता है। आज माशाल्लाह संध्या जी 83 की हो गई हैं, फिर भी चलती फिरती हैं, बहुत खुश हैं अपने परिवार के साथ, मुंबई में रहती हैं और बहुत खुश हैं। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।